स्वागत है आपका सिराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे सबसे पहले रायपुर की। छत्तीसगढ़ में दोनों गोबर पर सियासत जोरों पर है। भूपेश बघेल सरकार ने सरकारी दर पर किसानों से गोबर खरीदने का निर्णय लिया है। गोबर का सरकारी दर 1.50 रुपए प्रति किलोग्राम तय किया गया है। छत्तीसगढ़ में गोबर पर सियासत के बीच कांग्रेस सरकार का समर्थन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। आरएसएस के संगठन गौग्राम स्वावलंबन अभियान के एक प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस फैसले से समाज स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ेगा। संगठन ने गोबर खरीदने के सरकार के फैसले को सही ठहराया। इसके अलावा कुछ और मांगे भी की हैं। अधिक जानकारी के लिए रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, सीएम भूपेश से आरएसएस का प्रतिनिधिमंडल मिला है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस बारे में? कि जो आरएसएस का प्रतिनिधिमंडल है, गौग्राम जून का अभियान चल रहा है, गांवों को स्वावलंबी बनाने का जो अभियान है, उसके जो संचालक मंडल हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं संघ के, उन लोगों ने मुलाकात की है, सीएम का अभिनंदन किया है, उनका धन्यवाद अदा किया है। लेकिन इस मुलाकात के बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि जिस समय ये मुलाकात हुई उस मुलाकात से ठीक पहले तक अजय चंद्राकर की जो भाजपा में ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, उन्होंने लगातार सरकार की इस नीति को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। सरकार के गोबर खरीदी को विकास विरुद्ध बताने की कोशिश की है और जाहिर तौर पे उनके इस रुख के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा और संघ के बीच में कल परिस्थितियां हैं, भाजपा और संघ दोनों जो सोच रहे हैं वो एक नहीं है, क्योंकि संघ को ये माना जाता है कि संघ मातृ संस्था है जिसे जो आइडियोलॉजिकली विचारधारा प्रतिनिधित्व करती है और उसका राजनीतिक मंच भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बात बोल रहे थे, बात एक तरह से पूरी तरह से संघ ने खारिज कर दिया है। तब सवाल के घेरे में बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार आपसे रिक्वेस्ट लेते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। भूपेश बघेल आपको बता दें, इसका प्रतिनिधिमंडल बैठा है। गोबर योजना को लेकर सरकार का साथ देने की बात कही है। आपको बता दें, लगातार गोबर सियासत जारी है। छत्तीसगढ़ हम बात कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल कहा था सरकार ने 1.5 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने का फैसला लिया है। गोबर योजना को लेकर सरकार का साथ देने की बात की है। आरएसएस ने छत्तीसगढ़ में लगातार गोबर पर सियासत जा रही है। आरएसएस का प्रतिनिधिमंडल सीएम भूपेश बघेल से मिला भी, कई मुद्दों पर बात भी हुई। सरकार 1.5 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने का फैसला भी लिया है। और रुपेश हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हैं। रुपेश, दोनों दिन हम देखें गोबर पर सियासत जो है लगातार जारी है, क्या लगता है अंदर क्या बातें हैं जो लगातार सियासत बढ़ती गई? देखिए, सरकार की जो स्कीम रही है नरवा गरुवा भरी, वो सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसको लेकर के सरकार इस चुनाव में आई थी और सरकार ने वादा किया इस अभियान के जरिए वो ग्राम स्वावलंबन की ओर बढ़ेगी, यानी कि गांव को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही थी सरकार ने। लेकिन अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस पर हमला बोला है और जिस तरीके से हमला बोला है वो हमला बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये जो समस्याएं हैं, जो मांग है, जैसे बेरोजगार ये मांग कर रहे हैं कि उनको रोजगार चाहिए जी। तो भाजपा के लिए वक्त आ गया है कि इस मुद्दे के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। लेकिन जो संघ के नेताओं से मुलाकात सीएम की हुई है और संघ के नेताओं ने जो धन्यवाद दिया है, उसके बाद चुप्पी सी छा गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और कांग्रेस को ये मौका दे दिया है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरे, भारतीय जनता पार्टी और संघ को अलग अलग दिखाने की कोशिश की। ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूरे भारत में भूपेश बघेल
दूसरे ऐसे नेता हैं जो सबसे ज्यादा मुखर तरीके से संघ के खिलाफ बोलते रहे हैं, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय हो चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो। बोलने से उन्होंने कभी गुरेज नहीं किया। वो दूसरे कांग्रेस के नेताओं की तरह नहीं है जो एक्सेप्ट कर लेते हैं संघ को। और जिस तरीके से हमला किया है उन्होंने लगातार पिछले कुछ सालों में, तो राहुल गांधी के बाद दूसरे ऐसे नेता के रूप में नजर आते हैं वो। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि उन्हीं संघ के लोग अगर आकर के भूपेश बघेल को उनकी स्कीम के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, तो भाजपा के लिए बहुत बड़ा ये राजनीतिक संकट का समय है कि वो क्या स्टैंड ले। और जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक भाजपा ने फिलहाल इस पर संघ के नेताओं से चर्चा करने का विकल्प चुना है ताकि कोई स्टैंड लिया जा सके कि आखिर तमाम चीजें सामने आई। अलग अलग तरह के बयान भी सामने आ रहे थे। कांग्रेस सरकार का समर्थन जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयं सेवक कर रहा है, बीजेपी के इस पर लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई क्या? देखिए, बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया जरूर सामने आई है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा और संघ के बीच में जो मतभेद है, जो सोच का फर्क दिख रहा है, और दोनों जो बात संघ कह रही है कहीं ना कहीं भाजपा के और खास तौर से अजय चंद्राकर, क्योंकि आपको याद होगा कि अजय चंद्राकर के बयान से भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने किनारा कर लिया था। अब उसी तरीके से संघ के बयान के बाद फिलहाल क्या कुछ बयान सामने आते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए रुपेश। चलिए।